हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इस वाले फोटो की एडिटिंग करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। ओके गाइस, सबसे पहले हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। चलिए, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन हमारा ओपन हो चुका है। इसमें अपने बैकग्राउंड को ओपन कर लेते हैं। चलिए हम अपने बैकग्राउंड को ओपन करते हैं और उसके बाद हम बाकी की एडिटिंग शुरू करते हैं। चलिए, हमने अपने बैकग्राउंड को ओपन कर लिया है। इसके बाद हम इसमें एक PNG लेके आएंगे। चलिए उसको भी ऐड कर लेते हैं। ऐड फोटो पे जाएंगे और उसको भी लेके आ जाते हैं। सिटी की PNG होगी जो कि एक्स्ट्रा HD में मैंने डाउनलोड की है। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। इमेज के एकदम सेंटर में इसको जो है ऐड करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ से ऐड कर लेते हैं। डन हो चुका है, इसे यहाँ से डन कर लेंगे। उसके बाद हमें ऐड फोटो में फिर से जाना होगा और इस बार हम डॉक्टर स्ट्रेंज वाला जो है सर्किल लेके आते हैं। चलिए, डॉक्टर स्ट्रेंज का सर्किल भी यहाँ पे आ चुका है। इसको जो सिटी की इमेज लगाई उसके ऊपर हमें एडजस्ट करना है। इसके ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर देंगे। चलिए, इसको आराम से एडजस्ट करना है ताकि सिटी ऐसा लगे कि सर्किल के पीछे है। चलिए हो चुका है गाइस। इसकी एजेस जो हमें दिख रही है उसको हमें हटाने के लिए इरेजर टाइप पे टाइप करेंगे और इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे और हार्डनेस को भी कम कर देंगे। चलिए, इसे आराम से साइड से इरेज कर देंगे तो इसकी जो एजेस हैं गाइस वो ख़त्म हो जाएंगी, तो लगेगा नहीं कि एजेस अलग से हैं। चलिए इसे डन कर देते हैं। अब इसके बाद हम अपने मॉडल को लेके आते हैं। ऐड फोटो में चले जाते हैं फिर से। ऐड फोटो में जाने के बाद हम यहाँ से अपने मॉडल को लेके आते हैं। ओके, चलिए गाइस अपने मॉडल को ऐड कर लेते हैं। इसे आराम से एडजस्ट कर लेंगे। ओके गाइस, इसे बड़े संभाल के एडजस्ट करना है कि ऐसा ना लगे कि हमारा सर्किल से ज़्यादा बड़े हम हो गए हैं। ठीक है गाइस, हमारा मॉडल अपडेट सॉरी एडजस्ट हो चुका है। ओके, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। बस हो गया, ठीक है लग रहा है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा किनारे में एडजस्ट करते हैं नीचे की साइड। ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इफेक्ट में जाएंगे। थोड़ा सा इसमें इफेक्ट डालते हैं अपने मॉडल में। इफेक्ट में चले जाएंगे, उसके बाद कलर्स में जाएंगे। कलर्स के बाद सैचुरेशन में जाएंगे और इसे ओवरले कर देंगे और इस इरेजर टैप पर टैप करेंगे और उसके बाद जो है हम अपने फेस से और हाथों से जो है इरेज कर देंगे ताकि इसका जो इफेक्ट है हमारे कपड़ों पर मौजूद रहे और बाकी जो है ख़त्म हो जाए। चलिए हो चुका है, इसे यहाँ से डन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ऐसे लग रहा है गाइस हमारे चेहरा एकदम ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है। चलो इसको भी गोरा बनाते हैं, एकदम चिकना सा। चलो इफेक्ट में चले जाते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे। कॉन्ट्रास्ट में जाने के बाद जो है ऐसे देखते हैं, लाइट में चले जाते हैं। लाइट में थोड़ा चमक रहा है हमारा चेहरा। ओके, इरेजर पर टैप करते हैं। उसके बाद इन्वर्ट टूल पर टैप करके ब्रश पर चले जाएँगे। इसके साइज़ को कम कर लेंगे और इसको जो है धीरे धीरे अपने पूरे फेस पे जो है मार लेंगे ब्रश को। ओके, जिससे हमारा चेहरा जो है स्मूथ हो जाएगा और चमकने लगेगा। पैरों पे सॉरी हाथों पे भी मार लेते हैं, हाथ भी थोड़े चिकने हो जाए हमारे गोरे से। ओके हो चुका है, इसे डन कर देंगे। ठीक है गाइस, जब हमारा चेहरा जो है लाइट आ गई चेहरे में, ठीक है ऐसा लग रहा है गाइस हम जैसे टंगे हुए हैं आसमान में। इसके लिए हमें इसकी शूज़ की अपनी शैडो बनानी होगी। शैडो बनाने के लिए हमें ड्रॉ टूल का यूज़ करना होगा। ओके, तो मैं भी ड्रॉ टूल में चला जाता हूँ। ओके, मैं ड्रॉ टूल में आ चुका हूँ और यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ। इसकी हार्डनेस को कम कर देंगे एकदम, 34 रखी है मैंने, आप अपने अनुसार रख लीजिए गाइस। इसके शूज़ के नीचे से मार देंगे हम इसको। ओके, इस तरीके से मारते हैं। चलिए ठीक है, ओके ठीक है गाइस, जिस तरीके से मारना है। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लेयर टाइप पे टैप करेंगे। उसके बाद ओपेसिटी को एकदम से इसको कम कर देंगे। चलिए हम 57 रख के देख लेते हैं। तो इससे गाइस होगा कि हम जैसे लगेगा ज़मीन पे टच हैं, वैसे लग रहा था हम आसमान मतलब टच नहीं है, अलग से फिट किए हैं। ओके,
हो चुका है, चलिए इसे यहाँ से डन करके बाहर आ जाते हैं। ओके चलिए ठीक है, डन हो चुका है। इसके बाद हम इसमें एक और पीएनजी ऐड करेंगे, एयर की पीएनजी। चलिए उसके बाद हम ऐड फोटो में जाते हैं और डाउनलोड में चले जाते हैं, वहाँ से मैंने पहले से एयर पीएनजी डाउनलोड कर रखी है, उसको यहाँ पे लगा देते हैं। चलिए इसको जो है आराम से एडजस्ट कर देंगे। ऐड फोटो में चले जा बेटा। ओके हो गया है ये गाइस, हेयर्स को जो है आराम से सही से एडजस्ट करना है ताकि ऐसा ना लगे कि अलग से चिपकाए हुए हैं। ठीक है गाइस, थोड़ा सा टाइम भले ले लेना लेकिन जो है आराम से एडजस्ट करना। चलिए हमारे हेयर्स एडजस्ट हो चुके हैं। इरेजर टूल पे जाके एक्स्ट्रा पार्ट को इसके इरेज कर देंगे हम, इधर से इरेज कर देते हैं, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है आगे का जो दिख रहा है हमें उसे इरेज कर दिया। ओके इसे थोड़ा सा फेस के ऊपर से भी इरेज कर देते हैं ताकि एकदम से नेचुरल लगे। यहाँ से इरेज करते हैं गाइस। ओके इसे डन कर देते हैं। ओके हमारे हेयर सेट हो चुके हैं, इसे अगेन डन कर देंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद ऐड फोटो में चले जाएंगे। एक और पीएनजी को यहाँ पे हम लेके आएंगे, फ्यूजर इज ब्राइट की। इसे अपने फ़ोटो के टॉप पे लगा देते हैं, सबसे ऊपर सर्किल के एकदम सेंटर में लगाते हैं। ओके इसे डन कर देंगे गाइस। हमारा पिक्स आर्ट का जो काम है वो हो चुका है, हमने अपने फ़ोटो और पीएनजीज को चिपका लिया है। चलिए ठीक है, अब बाकी का काम हम एडोब लाइट रूम में करेंगे। ठीक है, हमारा लाइट रूम अप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब लाइट रूम में हम सबसे पहले यहाँ पे चले जाते हैं। ओके सबसे पहले हम मिक्स टूल में चले जाते हैं। मिक्स यहाँ पे कलर की थोड़ी मिक्सिंग कर लेते हैं। ओके इसके ह्यू के थोड़े से बढ़ा देंगे और सेचुरेशन को कम कर देंगे, लिमनेस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर को हमें ज़्यादा एडजस्ट करना है, इसके ह्यू को बढ़ाएंगे और लिमनेस को और सेचुरेशन को थोड़ा कम कर देंगे ताकि जो है बैकग्राउंड एकदम ब्लैक सा हो जाए। ठीक है, ब्लू को हल्का सा छेड़ लेते हैं जिससे ताकि हमारे चेहरे पर जो है थोड़ा सा चमक आ जाए। ओके सारा काम हो चुका है यहाँ पे, इसे डन करके हम बाहर आ जाते हैं। चलिए गाइस, जिसके बाद हम चले जाते हैं इसके बाद हम वाइट्स को बढ़ाते हैं और ब्लैक्स को थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा सा अंधेरा जो है साइड से हमारी इमेज पे। ठीक है, इसे भी यहाँ से डन कर देंगे, हो चुका है। इसके बाद हम सिलेक्टिव टूल का यूज, गाइस सिलेक्टिव टूल का यूज़ करके ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। ब्रश को हल्के से नीचे से मार देंगे इस तरीके से, और ब्राइटनेस को इसके जो है हल्का सा कम कर देंगे ताकि जो है काला काला रहे नीचे से। ओके इसे डन कर दिया है। कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देंगे, शैडोज को थोड़ा सा कम कर देते हैं, चलिए थोड़ा बढ़ा ही देते हैं। ओके हो चुका है, इसे डन कर देंगे। उसके बाद फिर से हम सिलेक्टिव टूल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। इस बारी हम इस साइड से ब्रश को मारेंगे ऐसे। ठीक है, इसके बाद हम टेम्परेचर को इसके मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर टूल में जाएंगे और इसके टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ा देंगे ताकि ऐसा लगे कि सर्किल की लाइट जो है हमारे शर्ट और हेयर पे पड़ रही है फेस पे। फिर इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ओके हो चुका है, ऐसा लग रहा है आपका जैसे इसके सर्किल की जो शैडो है वो हमारे ऊपर आ रही है, जैसे रियलिस्टिक लुक लग रहा है। चलिए इसकी क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फाइन टच दे देते हैं फ़ोटो को, डीएस को कम कर देंगे। ओके डीएस को बढ़ा देंगे और विग्नेट को कम कर देंगे। यहाँ से जो है विग्नेट को कम करेंगे तो साइड से जो है काला काला सा फ़ोटो हो जाएगा ताकि जो है अच्छा सा लगने लगे। बाकी का काम गाइस डन हो चुका है। चलिए अब देख लेते हैं, पिक्सआर्ट में ऐसा फ़ोटो था और इसमें ऐसा दिख रहा है। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। ओके गाइस।